सिंगरौली डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं कर रही, इससे भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। डेमोक्रेटिक फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक भास्कर मिश्रा ने प्रेस वार्ता के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस प्रकार अधिकारी सिंगरौली में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वह जनता के लिए मुसीबत बनती जा रही है। भास्कर मिश्रा, राष्ट्रीय संयोजक हूँ सिंगरौली डेमोक्रेटिक फ्रंट का, जिसको हम लोग शॉर्टकट में SDF कहते हैं। हमारी ये संस्था केवल और केवल सिंगरौली के लोगों के द्वारा, सिंगरौली के लिए और सिंगरौली का, इसको हम कहते हैं ऑफ द सिंगरौली, फॉर द सिंगरौली और बाय द सिंगरौली। ये टोटल सिंगरौली की समस्याओं को लेकर के ये संस्था बनी है और उसके समाधान के लिए जो लड़ाई है, हम लोग उसको लड़ रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारे यहाँ जो है, प्रशासन में और ख़ासकर पुलिस में 8-8 साल से, अगर कार्यकाल 5 साल TIO का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अगर उनका SI सब इंस्पेक्टर के रूप में देखा जाए तो 8-8 साल से कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग वहीं जमे हैं। दूसरी बात कि बहुत ढेर सारे ऐसे TI हैं और पुलिस अधिकारी हैं जो कि बार बार लौट लौट के आते हैं। जब चुनाव आता है 2-3 महीने के लिए चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। ऐसे देखा जाता है 10-10, 12-12, 13-13, 14-14 और कुछ तो वहीं रिटायर हो गए। ये हाल है। बड़े प्रशासनिक अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, वहीं से नायब तहसीलदार बने, वहीं से SDM और आज एडिशनल कलेक्टर तक वहीं हैं। आज 15-15 साल, 20-20 साल से वहीं लोग हैं। नगर निगम के कर्मचारी, वहीं पर पोस्टिंग उनकी हुई और वहीं रिटायर हो जा रहे हैं। आज मतलब 25 साल, 20 साल, 22 साल जितने साल से नगर निगम बना रहा है, उतने साल से कर्मचारी वहाँ बैठे हुए हैं। और ये तमाम जो अस्थायीकरण है अधिकारियों का, कर्मचारियों का, और या बार बार पुनर्आगमन करण है, इसकी वजह से ही सबसे ज़्यादा समस्या विस्थापन, बेरोजगारी, प्रदूषण, सड़क दुर्घटना और सब भ्रष्टाचार, और सबसे ज़्यादा जो उससे भी बड़ा मामला है वो प्रशासनिक और पुलिसिया तानाशाही है। कुल मिला करके हमने सुना था कि ब्यूरोक्रेसी जहर के समान होती है, जिसको केवल कोई मजबूरी में पीना पड़ता है। ऐसा जहर है ब्यूरोक्रेसी, जिसको मजबूरी में पीना पड़ता है। लेकिन हमने अगर ये चीज़, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो सिंगरौली में देखा जा सकता है, जहाँ ब्यूरोक्रेसी को के जहर को कम करने के लिए डेमोक्रेसी की व्यवस्था बनाई गई है सिस्टम में, और ख़ासकर भारतीय लोकतंत्र में, तो सिंगरौली में डेमोक्रेसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। संयोग से वहाँ सत्ता दल के विधायक गण हैं, लेकिन आज आप वहाँ देखेंगे तो उन विधायकों का राजनीतिक रूप से तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो लोग जिंदा हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर घुस गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए अगर अंग्रेजों से भी बदतर शासन देखना हो तो सिंगरौली आइए।